प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठनों एवं संकुल स्तरीय संघ CLF को रिवॉल्विंग फंड एवं सामुदायिक निवेश निधि को आजीविका निधि, प्रेरणा कृषि टूल, बैंक जोखिम निवारण निधि का DBT के माध्यम से वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य नर्मदा देवी से वर्चुअल वार्ता की और उनसे उनके किए जा रहे कार्यों की जानकारी के साथ सुझाव भी मांगे। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी KVN पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, NRLM के डिप्टी कमिश्नर अवधेश राम सहित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के स्वयं सहायता समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड के तहत 12,39,21,991 रुपये की धनराशि हस्तांतरित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य नर्मदा देवी और जिलाधिकारी KVN पांडियन ने कहा, को सशक्त करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए आपने कृपा पूर्वक ये अनुमति दी, जिससे विभाग को एक नई दिशा मिली है। कार्य को पूरा पूरे प्रदेश की उपस्थित है, मैं उन्हें भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बेहतर प्रयास किया और समय समय पर जब भी आवश्यकता हुई विभागीय कार्यक्रमों को इस बैंक ने बहुत ही प्रभावशाली अपना सहयोग दिया है और पूरा भी किया है। बिजली बिल कलेक्शन के कार्य को भी आपकी कृपा से आजीविका मिशन की बहने कर रही हैं, जो समूह की हमारी बहने हैं उनके माध्यम से सुनिश्चित किए जाने की आपकी इच्छा थी, आपका आशीर्वाद था और आपकी प्रेरणा थी, जिसे उत्तर प्रदेश ने बड़ी सफलता पूर्वक पूरा किया है। 7,72,13 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी सामुदायिक शौचालयों का हम संचालन सुनिश्चित करा रहे हैं। बिक्री कार्य को बहुत ही बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया गया है। 1,515 ऐसे उत्पादक समूह थे जिन्होंने फल, सब्जी इत्यादि में सहयोग दिया, जिसका 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की सब्जी इत्यादि का उन्होंने वितरण किया और उसकी आय उन्हें हुई है। का उत्पादन हो रहा है, 1.5 लाख लीटर उत्पादन का हमारा लक्ष्य है। मुझे यह भी कहने में खुशी है कि हमारे CRD मुख्य प्रमुख सचिव ग्राम विकास उस समय वहां उपस्थित थे और आपने के प्रश्नों का वालनी समूह की बहनों ने बहुत ही प्रभावी ढंग से आपके समक्ष उत्तर प्रस्तुत किया था और उसके व्यवसाय को कैसे वो वाइबल वो होगा वो आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। हमारा समूह बहुत ही बेहतर ढंग से पराग और अमूल तर्ज पर कार्य कर रहा है। मेरा विश्वास है कि जिस तरह का आशीष आपका मिला है वह एक दिन अपने को अमूल और पराग से आगे काम करके दिखाने में सफलता अर्जित करेगा। ICICI के जो हमारे ऑफिसर हैं और MD UPSRLM हैं कि वो एक MOU हस्ताक्षरित करेंगे सर। इसमें ICICI के SRLM के साथ मिलकर फ्लोरिकल्चर में, वेजिटेबल कल्टीवेशन में और गोट रियरिंग यानी बकरी, फूल और सब्जी की खेती में ये 20,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करके और उनके प्रशिक्षण के साथ साथ उनके जो उत्पाद है उनको बेहतर दाम मिले, इन सब गुण को उनको सिखाने की बात है, ये सब स्किल्स उनको सिखाने की बात है।
तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना एग्रीमेंट साइन करके और आदान प्रदान करना चाहें। आप उधर जाएंगे कार्यक्रम को आप लोगों ने विगत महीने किया होगा ना? जी सर। आपका स्वयंसेवी समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है? जी सर। तनाड़ी को रिसीव करवा दिए हैं सर। जी। वहाँ पे जरूरतमंदों को ये मिला है कि नहीं मिला है? मिला है सर। आप लोगों ने इस बात की जांच की? जी सर। कितने लोग हैं आपके समूह में? 15 सदस्य हैं। 15 लोग हैं। जी सर। और भी कोई काम आप लोगों का समूह कर पा रहा है? जी सर, सिलाई सेंटर हम चला रहे थे। सिलाई सेंटर भी चल रहा है, तो आपको यूनिफॉर्म वगैरह मिला सिलने के लिए? जी। ये जो प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बनना था, इसको बनाया कि नहीं बनाया आप लोगों ने? बनाया था सर। ठीक है, बहुत सुंदर। मास्क वगैरह जो ये कोरोना के लिए जो मास्क वगैरह बन रहे थे, इसमें मास्क वगैरह का ट्रेनिंग नहीं दिया बनाने का? ट्रेनिंग नहीं मिला था, लेकिन खुद से सीखे थे। हाँ, तो सीख सकते हैं, ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अगर आप लोग लेंगे तो अच्छा रहेगा, बनाइए, क्योंकि कोरोना तो अभी है ही। जी सर। अभी आगे अभी 5-6 महीने तक तो ये मास्क आदि पहनना ही पड़ेगा लोगों को। जी। तो इसको बनाएंगे, उसके बाद भी इसका उपयोग तो हर जगह मास्क का उपयोग तो लोग कर ही सकते हैं। अगर आप लोग इसको करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। चलिए नर्मदा देवी जी, आपको और आपके पूरे समूह को बहुत बहुत बधाई। जी सर, एक बात और मैं जानना चाहती हूँ। हाँ बताइए बताइए। जैसे समूह की महिलाओं को मनरेगा वाला काम शुरू करवा दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे आप? बहुत खुशी होगा। क्या काम करेंगे आप लोग बताइए? नरेगा में काम करेंगे। जो कैसे? अब मिट्टी खन के कपाल पर तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करे तो और भी हमको खुशी होगी। आप लोग उसको भी कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो सामुदायिक शौचालय है, उसके शौचालय की जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। जहाँ पे राशन की दुकान है, राशन की दुकान में विवाद है, तो वह भी जिला प्रशासन महिला स्वयंसेवी समूह को दे सकता है। तो बहुत सारा कार्य महिला स्वयंसेवी समूह को मिलने वाला है। जी सर। आप लोग ट्रेनिंग लेकर के उसके अनुरूप हो जाएंगे तो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। और आपको एकदम हिम्मत से काम करिए। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी वहाँ पर है, मैं उनसे कहूंगा कि वे आपके समूह के साथ और अन्य महिला स्वयंसेवी समूह के साथ बैठ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की तैयारी करें। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कार्य करने में व्यक्ति को कोई हिचक भी नहीं होनी चाहिए और मेहनत करने में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बड़ा है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूँ, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि बताया गया कि देखिए पिछले कुछ समय से जो कार्यक्रम हुए हैं, आपने देखा होगा एक महिला स्वयंसेवी समूह मनरेगा के अंतर्गत और भी कार्य करने के इच्छुक हैं, और प्रशासन को चाहिए कि हम उनके साथ संवाद बना करके उन्हें कार्य देने के लिए प्रेरित करें। अच्छा है, कार्य के लिए वे सभी
कार्यक्रम उन सब उन तक हम पहुंचाने का कार्य करें, जिससे उनके हाथों को रोजगार मिल सके और वे अधिक से अधिक कार्यों के साथ जुड़ करके, शासन की योजनाओं के साथ जुड़ करके अपने समूह को और भी लाभकारी बना करके औरों के सामने प्रेरणा प्रस्तुत कर सके। प्रदेश के अंदर इस दिशा में पिछले 8-9 महीनों के दौरान बहुत काम हुआ है। खासतौर पर आपने देखा होगा, अभी हम लोगों ने एक डीसी सखी से बातचीत किया है। प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम हो रहा है। ट्रेनिंग के बाद ये हर गांव में जाएंगे, पैसे के लेन देन के कार्यक्रम को बैंकों से जोड़ करके लोग स्वयं वहां पे संपादित करेंगे। कितना बड़ा कार्य है ये। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में हम वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, किसान सम्मान निधि या फिर जनधन अकाउंट धारी महिलाओं के खाते में जो प्रधानमंत्री जी ने अतिरिक्त धनराशि उन्हें उपलब्ध कराई थी, इस सभी के लिए लोग बैंकों में जाते थे, वहां लाइन लगाते थे। कोरोना का खतरा समाप्त नहीं हुआ, हर गांव में बैंक भी नहीं है। हमारे पास प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो 65,000 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं, हमारे पास 700 से अधिक नगर निकाय हैं, लेकिन बैंकों की संख्या प्रदेश में कुल 18,000 है। तो स्वाभाविक रूप से हर गांव में बैंक की शाखा नहीं है, तो हर गांव में बैंक की शाखा या बैंक उपलब्ध न होने के कारण उन्हें 5-7 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, आने जाने में समय लगना, बैंक में भीड़ होने पर वहां उनको वेट करना, ये सभी कार्य। दूसरा, बैंक का एक कार्य का कार्य दिवस का होता है, उनका सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ही वे पैसे का लेन देन कर सकते हैं। लेकिन जब ये बीसी सखी गांव में काम करेंगे तो किसी भी समय पैसा जमा करने और पैसा निकालने का एक सुविधा गांव के सामान्य व्यक्ति को गांव में ही प्राप्त होगा। जी, हमारा नाम नर्मदा देवी है, ग्राम मौजी से। जब भी मुख्यमंत्री से बात हुई है, कुछ बात भी आपकी रखी है, कुछ सुझाव भी दिए हैं, क्या था? जी सर, वो 2.5 राशन वितरण करने के बारे में बात किए हैं, हम बच्चों को राशन वितरण किए थे, आंगनबाड़ी को रिसीव करवाए थे। अभी मनरेगा की बात की है उनसे? हाँ, मनरेगा की बात की है, समूह स्वयं सहायता समूह की महिला के लिए। क्या चाहिए, क्या बात कहे हैं सर कि शुरू करवा देंगे? जी हाँ, ये आजीविका मिशन का आज रिवॉल्विंग फंड उनका लेवल से डिस्ट्रीब्यूट कराया जा रहा है। हर समूह का 15,000 के हिसाब से तकरीबन 150 करोड़ रुपया यहाँ से वितरण हुआ था, यानी लखनऊ से। यहाँ से महिला समूह से भी वार्ता किए थे और यहाँ से हलचल भी ले रहे थे, यहाँ का समस्या भी सुन रहे थे, उसका हम लोग भी मार्गदर्शन दिए थे, उसी का मीटिंग था और समाप्त हुआ है।